तो ये गाइस हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने के क्या बेनिफिट्स हैं और कौन से लोगों को बीटेक करने आना चाहिए। और गाइस आपको 100 नहीं 200% ये वीडियो देखने के बाद आपका डिसीजन लेने में मतलब कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि हम बीटेक करने आए या ना आए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये डाउट होता है कि हम बीटेक करने आए या ना आए, क्या ये डिसीज़न सही होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बात तो देखो, जब हम बीटेक करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो सोचने से पहले आपको जो एग्ज़ाम होता है बीटेक लेवल पे वो दे देना चाहिए। आप एडमिशन लो या ना लो, उससे पहले वो एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। सबसे पहले वो एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस जिस तरह से मैंने आपको बोला कि आप एडमिशन लो या ना लो, वो एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ना सोचने में इतना टाइम गंवा देते हैं कि वो एक साल बर्बाद हो जाता है। एक साल बर्बाद होगा, आप घर पर बैठे रहोगे। अगर आप एग्ज़ाम दे देते हो और आपकी रैंक अच्छी आ जाती है, फिर टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप पे डिसीजन ले सकते हो। मान लीजिए आपके घर में पैसे की व्यवस्था नहीं है तो ठीक है, नहीं एडमिशन लेंगे भाई, अपना कमाने धमाने जाएंगे, लाइफ में कुछ आगे करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर आपके लिए क्लियर होगा मैटर, पिक्चर क्लियर है, वहाँ कोई डाउट नहीं है, कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं, भाई घर पर पैसा नहीं है, हमें कमाने जाना है, मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हाँ भाई घर थोड़ा सपोर्ट करने के लिए तैयार है, थोड़ा हम कमाएंगे धमाएंगे, कुछ करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे या कुछ और करेंगे, किसी तरह से लोन लेंगे और जाएंगे पढ़ने के लिए। तो वहाँ अगर आप एग्ज़ाम दिए रहोगे, रैंक अच्छी आई रहेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा, तभी आप ये डिसीजन ले सकते हो। दूसरा, रैंक अच्छी नहीं आई, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो ये डिसीजन आप नहीं ले सकते हो एडमिशन का, क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो फिर फंस जाओगे, ठीक है, टायर थर्ड में जाओगे, प्लेसमेंट नहीं होगा, लोन का प्रेशर होगा, घर का प्रेशर होगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स। तीसरा कि भाई अच्छा कॉलेज मिल गया, लोन ले लिया, जीवन सफल हो जाएगा, जो आप लेबर की तरह या फिर कहीं और पे जा कर के 10,000 15,000 20,000 पे जॉब कर रहे होगे, अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, जो आपके साथ पॉलिटेक्निक करके 3 साल बाद नहीं पैसा कमा पाएगा, हो सकता आप जा करके सीधे 60,000 70,000 80,000 महीना कमाने लगे बीटेक पास आउट होने के बाद, शायद पॉलिटेक्निक के 10 साल बाद भी उतना पैसा कमा रहा हो जो आप 3 साल बाद कमाने लगोगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब आप रिस्क लोगे लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे, नो रिस्क नो गेन। तो लाइफ में जब जितना बड़ा रिस्क लोगे, जितना बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, उतना बड़ा आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपने मन बनाया, आपने माइंडसेट बनाया, तभी आप आगे बढ़ पाओ। नहीं तो अगर आप माइंडसेट नहीं, जब मेरा बीटेक करने का डिसीजन था ना, मैंने पॉलिटेक्निक नहीं किया हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पॉलिटेक्निक नहीं किया हुआ, मैंने बीटेक किया हुआ है और उसके बाद फिर एमटेक किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरे साथ के कई सारे लोगों ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, लगभग 40 से 45 लोगों ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है मेरे साथ के। तो मैं भी पॉलिटेक्निक करना चाहता था, लेकिन फिर मन में बातें आईं कि छोड़ो ना, मैं डिग्री करूँगा। और एक साल का मैंने तैयारी किया था IIT का, ऑल दो उस समय IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन AIEEE के थ्रू मैंने, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग टेस्ट होता था उसके थ्रू मैंने इंजीनियरिंग किया, AIEEE के थ्रू, ठीक है। AIEEE निकाला है, बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम, और हमारे टाइम में बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, प्राइवेट में भी एडमिशन होना से लगता था, सरकारी में एडमिशन हो गया। तो डिसीजन लेना ही बड़ी बात होती थी उस टाइम के, जो पॉलिटेक्निक वाले सैलरी जो मिलती थी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग होना बहुत बड़ी बात। मैंने लोन लेके पढ़ाई की थी, नहीं घर वालों के पास पैसा था, लेकिन डिसीजन उस समय लेना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेके बीटेक अगर करना चाहते हो, जो डिसीजंस मैंने बताए वीडियो में, अगर उसको वीडियो को 2-3 बार सोच समझ के देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ना समझ में आया तो हमने करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर के जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।